आज हम गुजराती पात्रा बनाएंगे और वो भी मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट वाला। इसमें ना हम एक सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे जिससे ना पात्रा का टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Hey guys, welcome to Wrinkles Kitchen. अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो ना हम पात्रा के लिए बेसन का बैटर रेडी करेंगे। तो मैंने ना यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। अब मैं यहाँ पे एक सीक्रेट मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 चक्रफूल को ना क्रश कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। ये मसाला ऐड करने से ना पात्रा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर ऐड करें। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन को ऐसे क्रश करके डालेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। और अब मैं यहाँ पे इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। इमली का पल्प बनाने के लिए ना मैंने इमली को पहले उबाल लिया था, उसके बाद उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और फिर उसको छान लेना है। तो मैं इसमें ना 3 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 100 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे। पात्रा को एकदम चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए ना हमें इसमें मसाले नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ऐड करने हैं। गुड़ और इमली का मेजरमेंट इसमें एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी पात्रा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन में हमने जो ये मसाले किए हैं ना, उसके बाद ऊपर से आपको नींबू का रस या कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाएंगे और इसका एकदम गाढ़ा बैटर रेडी करना है। बैटर को ना हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, वरना बेसन पत्ते के ऊपर अच्छे से चिपकेगा नहीं, तो फिर उसका रोल भी अच्छा नहीं बनेगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ना मैं इसमें 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे ना हमारा पात्रा एकदम बाहर से क्रिस्पी बनेगा। तो राइस फ्लोर मिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनके तैयार है। अब बैटर को ना हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक पात्रा के लिए जो अरवी के पत्ते आते हैं ना, उसकी हम नसें कट कर लेंगे। पत्ते के बीच में जो मोटी वाली नस होती है ना, उसको हमें हल्के हाथों से काट लेना है। उसके बाद साइड वाली जो मोटी नस है ना, उसको भी हम छुरी से काट लेंगे। इसके अलावा पत्ते के ऊपर जो भी छोटी छोटी नसें हैं ना, उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से सारे पत्तों के ऊपर से ना हम सबसे पहले नसें काट लेंगे। अब हमें पत्ते के ऊपर ना बैटर लगाना है, तो सबसे पहले हम पत्ते को ना उल्टा रखेंगे, उसके बाद सारे पत्ते के ऊपर हम अच्छे से बैटर लगा लेंगे। अब हम उसके ऊपर दूसरा पत्ता रखेंगे और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसके ऊपर भी हम अच्छे से बैटर लगा लेंगे। उसके बाद हम तीसरा पत्ता भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और उसके ऊपर बैटर लगा लेंगे, और फिर चौथा पत्ता रख के सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के अरवी के पत्ते यूज किए हैं, इसलिए मैं 4 लेयर बना रही हूँ। लेयर्स बन चुके हैं, तो अब ना हम चारों साइड से सारी किनारियों को ना इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम अच्छे से बैटर लगाएंगे। चारों तरफ से किनारी को फोल्ड करने के बाद हमें ना इसका रोल बनाना है, तो एकदम टाइट रोल बनाते जाएंगे और ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर भी लगाते जाएंगे, ताकि रोल खुलेगा नहीं, अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए, हमारा पात्रा का रोल बनके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पत्तों का भी रोल बना लेंगे। दो कप बेसन में से ना मैंने 3 रोल बना लिए हैं और बैटर भी सारा खत्म हो गया है। तो चलिए अब हम इस रोल को ना स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी स्टीमर को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले तो हम प्लेट को ना ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, ताकि हमारा जो रोल है ना, वो उसके ऊपर चिपक नहीं जाएगा। अब इसके ऊपर हम सारे रोल्स रख देंगे और अब इसे ढककर ना हम 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको स्टीम होने देंगे। 20 मिनट के बाद हम पात्रा को चेक करेंगे। रोल के अंदर हम छुरी डाल के चेक करेंगे, अगर वो क्लियर बाहर आ रही है, मतलब हमारे पात्रा अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पात्रा की रोल को ना एक प्लेट में निकाल लेंगे, और रोल को सबसे पहले ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद ही कट करेंगे। पात्रा को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से ही कट करना है, क्योंकि वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैंने सारे पात्रा को अच्छे से कट कर लिया है। तो चलिए अब ना हम इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक पैन में हम 3 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टेबल स्पून तिल डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। सब कुछ 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, उसके बाद हमने जो पात्रा कट करके रखा है ना, वो इसमें डालेंगे। सारे पात्रा हम एक साथ इसमें ऐड नहीं करेंगे, एक एक करके ही इसमें डालना है, क्योंकि पात्रा ना टूटना नहीं चाहिए।
आत्रा ऐड करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से ना इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा और वो ठंडे होने के बाद भी एकदम सॉफ्ट लगेंगे। आत्रा को हम एक साइड से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसको हम पलटा के दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट और एकदम टेस्टी पात्रा बनके तैयार है। आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार पात्रा बना के जरूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।